नमस्कार और वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं LIC के टेबल नंबर 917 के बारे में। ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, जैसे आप FD कराते हैं मार्केट पे बैंक में जाके, वैसा ही ये प्लान है। बट इसके फीचर उससे ज्यादा बेहतर क्यों है, आज उसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे FD का मतलब तो यही होता है ना, वन टाइम पेमेंट करना। हाँ हाँ, जैसे आप बैंक में करते हैं वैसा ही है बिल्कुल। दोस्तों FD में ऐसा ही होता है ना, आप बैंक जाते हैं, अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं, कुछ सालों के लिए पैसा वहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद बैंक आपको आपका पैसा बढ़ा के दे देता है। LIC में भी ऐसा ही होता है, आप LIC में जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद LIC भी आपको पैसे बढ़ा के देती है। मगर LIC के अंदर आपको साथ में मिलता है लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये मैं आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि FD में बैंक आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। मगर दोस्तों LIC आपको फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ इंश्योरेंस भी देती है, इसके लिए आपको अलग प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमें कितना भुगतान कर रहा है, उनको क्या फायदा होने वाला है, और हाँ एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 दिनों की है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 65 सालों की है। आप अपने छोटे बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। बैंक में आपको 10 साल तक FD मिलती है या 12 साल तक, बट इसके अंदर मिनिमम 10 साल का आपको ईयर चूज करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ मैक्सिमम जो टर्म मिलता है वो 25 सालों के लिए मिलता है। मिनिमम समय स्लॉट 50,000 रुपए से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। 50,000 रुपए का ये मतलब ये मत समझिएगा कि आपको 50,000 रुपए जमा करने हैं, ये मैंने आपको एक अमाउंट बताया है जितने का आपको इंश्योरेंस मिलता है, बट इसमें जो पैसे जमा करने हैं वो काफी कम होते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको आगे समझा देता हूं। चलिए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 1 साल की है और उन्होंने जो पॉलिसी टर्म चूज किया है या उनके लिए जो पॉलिसी टर्म चूज किया गया है वो है 25 सालों का, और जो सम एश्योर्ड चूज किया गया है वो है 10 लाख रुपए का। यानी कि 25 सालों तक अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ होता है तो ये 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड एक फिक्स अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर रहे ना रहे उनकी फैमिली को मिलता ही मिलता है। तो ये जो पॉलिसी है वो 10 लाख रुपए की है। अब हम ये देखते हैं इसमें हमें पैसे जमा कितने करने हैं। तो दोस्तों इस 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के अंदर जो पैसे हमने जमा करने होते हैं वो होते हैं 4,51,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए का हमारा सम एश्योर्ड रहेगा, बट हमने जो प्रीमियम पे करना है विद GST वो करना है 4,51,000 रुपए का। अब ये हम जानेंगे कि 21 साल बाद हमको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है पूरे 26,50,000 रुपए का। ये कैसे मिलता है वो भी समझ लेते हैं। पहले तो 10 लाख रुपए का जो हमारा सम एश्योर्ड है वो, उसके साथ एक बोनस मिलता है वो 12 लाख रुपए का होता है, और एक फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है मैच्योरिटी पे और डेथ क्लेम के टाइम पे मिलता है वो होता है 4,50,000 रुपए का। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इस हिसाब से होता है 26,50,000 रुपए का। दोस्तों ये तो हुआ नॉर्मल केस, अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को कितना अमाउंट मिलता है, कितना क्लेम मिलता है वो जानते हैं। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु अगर पॉलिसी लेने के 10 साल बाद हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए जो सम एश्योर्ड था वो मिलेगा, साथ में बोनस और FAV इन 10 सालों में जो बना है वो 5 लाख रुपए का वो मिलेगा। तो टोटल धनराशि जो होती है उनके परिवार को मिलने वाली वो होती है 15 लाख रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत, अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी लेने के 10 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो। दोस्तों इसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट और भी हमारे पास में, अगर हम उनको चूज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है वो दो ऑप्शन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। कम राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर। इसका मतलब यह है कि अगर टर्म राइडर आप चूज करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और ऐड हो जाता है। एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट या राइडर को भी आप चूज करेंगे 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और ऐड हो जाएगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने ये चीज समझी है, एक बार हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ लेते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप पॉलिसी के अंदर कम की कर रहे हैं, आपको सम एश्योर्ड ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस का भी अमाउंट है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आपने 10 लाख के सम एश्योर्ड में आपने जो पेमेंट करी है वो 6,38,000 रुपए की करनी है, और आपको जो इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है वो 10 लाख रुपए का मिलता है। इसी के तहत हम देखते हैं मैच्योरिटी अमाउंट हमें 15,90,000 का मिलता है, वो कैसे मिलता है वो भी आपकी स्क्रीन पे है। ये तो हो गया दोस्तों नॉर्मल केस, अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, वो है डेथ केस। अगर पॉलिसी लेने के 10 साल बाद पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो सेम चीज जैसे पुरानी वाली एग्जांपल में हमने देखा था, सम एश्योर्ड 10 लाख, FAV 5 लाख, टोटल 15 लाख रुपए का फैमिली को क्लेम मिलता है। ऑप्शन जैसे मैंने बताया था एडिशनल बेनिफिट इसके अंदर भी। रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की उम्र अगर 8 साल से ऊपर है, यानी बच्चे की उम्र 8 साल से ऊपर है, या फिर व्यक्ति की ऑब्वियसली 8 साल से ऊपर होगी तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमने ये पॉलिसी बच्चे के लिए ले रखी है तो बच्चे के 2 साल पूरे होने के बाद में उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। अगर बच्चे की उम्र 7 साल की अभी है और अगले साल वो 8 साल का हो जाएगा तो 8 साल होते ही पॉलिसी का रिस्क कवर चालू हो जाता है। सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कभी डेथ क्लेम आता है या फिर जब मैच्योरिटी होती है तो उसका सेटलमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन होता है कि आप पूरा का पूरा एक ही बार में ले लो,
जी हाँ, एक साथ पूरी मैच्योरिटी या डेथ क्लेम एक ही बार में ले लो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है कि आप चाहें तो इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, 5 साल के गैप में, 10 साल के गैप में, 15 साल के गैप में भी ले सकते हो। ये चुनाव पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ये पॉलिसी होल्डर का ही चुनाव है।